नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव हो गए, देश भर में कुछ बाई इलेक्शंस भी हो गए। इससे दो बातें बहुत स्पष्ट हो रही हैं कि जनता विकल्प तलाश रही है, दूसरा एग्जिट पोल जो हैं वो क्या कॉमेडी शो होते जा रहे हैं। पहले आइए बात कर लें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की 288 सीटों पे पोल हुआ और उसके रिजल्ट आ गए। बीजेपी ने पिछले चुनाव के प्रदर्शन के मुकाबले 17 सीटें कम, 122 से 105 पे आ गई। शिवसेना 63 से 56 पे आ गई। एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, 41 से 54 पे हो गई, उनको 13 का फायदा हुआ। और कांग्रेस 42 से 44 पे हो गई, उनको 2 का फायदा हुआ। इंडिपेंडेंट 13 और अन्य 16 हैं। इसमें बहुत सी सीपीआईएम भी है, सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी भी है, ओबीसी वाली पार्टी भी है। सारे लोगों को इसमें कुछ ना कुछ चुनाव में फायदा हुआ है। महाराष्ट्र चुनाव में एक बड़ी बात यह रही कि वहां के 7 सिटिंग मंत्री हार गए हैं। मतलब 7 मंत्री लोग चुनाव हार जाएं, ये भी एक अजीब सी चीज़ है। हालांकि हरियाणा भी इसमें पीछे नहीं रहा है। मेरे हिसाब से 8 या 9 मंत्री हरियाणा में भी चुनाव हार गए हैं। ये सब क्यों हुआ? ऐसा लगा था क्योंकि एक ही चीज पे चुनाव लड़ा जा रहा था, 370 पे और भारत पाकिस्तान पे। क्योंकि जहां पे भी पीएम जा रहे थे वो बार बार ये कह रहे थे कि भाई कांग्रेस के जो बयान आते हैं उससे पाकिस्तान का फायदा होता है इत्यादि इत्यादि, और शरद पवार पे भी वो इस तरह का हमला कर रहे थे। दूसरा वो ये तो एक लार्जर स्केल पे, और महाराष्ट्र में एक लोकल उसमें उनका एक उन्होंने नया चीजें शुरू की बीजेपी ने, वो कहा था सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए। मैं सावरकर वाले विषय पे इसमें ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सावरकर ने इस देश के आज़ादी के लिए योगदान दिया है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी और वो अंग्रेज़ों के एक मासिक पेंशन जो मिलती थी उसमें वो पेंशन उन्होंने ली थी, लेकिन उनका उस आज़ादी के आंदोलन में उनका योगदान भी था, इससे नहीं नकारा जा सकता। मैं अभी इतनी बात कह के आगे बढ़ता हूँ। बीजेपी महाराष्ट्र में गांव में हारी है, और उसका बड़ा कारण यह है कि महाराष्ट्र में किसान की बहुत दुर्दशा है, किसानों की समस्याएं हैं, उसको कोई हल नहीं कर रहा है। दूसरा क्या हुआ कि ये जो शायद ऐसा लगता है कि जो ये शरद पवार पे इन्होंने दांव चला था वो शायद उल्टा पड़ गया। होता क्या है कि अभी तक ये इस दांव को चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, बिहार में लालू के यहाँ। अब उत्तर प्रदेश में जहाँ हमारे जो नेता हैं, जो मुख्य विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के रेफरेंस से मैं बोल रहा हूँ, उन लोगों ने बिना कोई काम किए, उसमें अखिलेश यादव हों चाहे मायावती जी हों, इन्होंने बिना कोई काम किए एक अपने नए तरह के हुनर से इतनी संपत्ति बना ली है कि इनके ऊपर ऐसा लगता है कि अगर केंद्र से कोई चाबी भरी जाए या चाबी कसी जाए तो आसानी है। उसके उलट जब शरद पवार के ऊपर इस तरह का हल्ला बोला गया, तो अगर आपको याद हो तो शरद पवार खुद ही कहे कि मैं कल सुबह ईडी के यहाँ जा रहा हूँ। वो पॉलिटिकल थे, उन्होंने उसको पॉलिटिकली जवाब दिया। इन्होंने फिर उनके भतीजे अजीत पवार को भी थोड़ा कसा, लेकिन इन सबसे क्या हुआ जो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में ऐसे भी मराठा इस समय सत्ता में नहीं है। मतलब महाराष्ट्र में पहली बार एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहा है, मराठाओं को ये कहीं ना कहीं इसका क्षोभ है, और उसके ऊपर जब इन्होंने शरद पवार पे हल्ला बोला तो उसका फर्क ये पड़ा कि सतारा ये ठीक से शरद पवार जीते, उनके पोते रोहित पवार ठीक से जीते, और अजीत पवार जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्होंने मतलब कंसंट्रेट किया था वो 1 लाख से ज़्यादा वोटों से असेंबली इलेक्शन जीते हैं, और टोटल वोट्स पोल्ड का 80% वोट केवल उनको मिला है बारामती में। इस बीच अब महाराष्ट्र में थोड़ा शिवसेना से भी इनके क्या संबंध होंगे, कैसे चलेगा, क्योंकि शिवसेना ने जैसे ही बीजेपी को रिड्यूस मैंडेट मिला है, 122 से 105 पे आ गए हैं, शिवसेना ने भी अपने तेवर थोड़े बदले हैं, और अब वो ये कह रहे हैं कि सरकार में 50-50 का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, 50% मंत्री आपके 50 हमारे। और पहली बार ठाकरे परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा है, आदित्य ठाकरे ने मुंबई से चुनाव लड़ा और 64,000 वोटों से वो चुनाव जीत गए हैं। हरियाणा में बीजेपी को मतलब टोटल 90 का वो है, 46 पे सरकार बनती है, बीजेपी को 40 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 31,
जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, जननायक जन पार्टी, उसको 10, आईएनएलडी वो अब 1 और अन्य को 8। उस अन्य 8 में गोपाल कांडा जी भी हैं अगर आपको याद हो, जिनके एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ क्या क्या था, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब गोपाल कांडा जी का कहना है कि मेरे तो खून में ही आरएसएस है। तो इतने शूरवीर, इतने दानवीर, इतने धर्म कर्म वाले गोपाल कांडा अब पूरी तरह से भाजपा के साथ हो गए हैं, और उनको लेने के लिए एक चार्टर प्लेन या चार्टर हेलीकॉप्टर भी गया है, और वो जगह जगह बयान दे रहे हैं कि ये तो मैं पैदाइशी आरएसएस और भाजपा ही हूँ। उनके भाई भी कह रहे हैं ये सब चीज़ें ठीक है, तो और इस पर भाजपा भी बहुत खुश है कि वो उनके साथ आ गए हैं। तो इस तरह के धर्मात्मा शायद हरियाणा को और अच्छा चलाएंगे। हरियाणा में एक अजीब सी चीज़ ये हुई है कि वहाँ पे भी 8-9 तो मंत्री हारे ही हारे, साथ में उनके जो प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी थे वो भी हार गए हैं। और अगर आपको याद हो, हरियाणा में बार बार अमित शाह जी का, पीएम मोदी का था मिशन 75, मतलब 90 से 75 सीटें ये जीतने की बात कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने ये दोनों जगह जब इलेक्शन रैली की तो उन्होंने 370 को ही आगे रखा और 370 पे ही इलेक्शन का एक तरह से मैंडेट मांगने की कोशिश की। और जब इलेक्शन का ये हाल हुआ है, जब मेरे हिसाब से भाजपा का अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है, तो इसको कल फिर एक बयान आया है इनके शीर्ष नेतृत्व से कि देवेंद्र फडणवीस और खट्टर जी की बढ़िया चीफ मिनिस्ट्री देख के जनता ने उनको दोबारा चुना है। तो जनता ने उन 8 मंत्री को हरियाणा में, 7 मंत्री को वहां क्यों हरा दिया है? तो क्या मतलब उनका प्रदर्शन खराब था? आपके प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में क्यों हार गए हैं? क्या उससे भी आप कोई सीख लेंगे या उस पर भी कुछ बताएंगे? और एक चीज और अच्छी हुई, मैं अच्छी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो इलेक्शन मैनेजमेंट है उसमें सब तरह का था ना, कि ये भी खाना, वो भी खाना, इस तरह का भी, उस तरह का भी, उसमें कुछ खिलाड़ियों को इस बार लड़ाया गया। देश का नाम रोशन करने वाली बबीता फोगट महिला कुश्ती में, और योगेश्वर दत्त जो जिनकी बहुत रिस्पेक्ट थी उनको, हालांकि योगेश्वर दत्त कायदे से कहते हैं कि हुडा जी के मेरे पारिवारिक संबंध है, मेरे पिता समान है, ये सब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, लेकिन जाके लड़े हुए इलेक्शन बीजेपी से और दोनों लोग ये चुनाव हार गए। मतलब दोनों पहलवान अपने ही होम टर्फ पे चित हो गए। हालांकि संदीप सिंह हॉकी वाले इस में हरियाणा से विजयी हुए हैं। जो दोनों चुनाव को अगर आप कंपेयर करें तो एक चीज रहती है, हरियाणा में कांग्रेस का नेतृत्व हुडा के रूप में बिल्कुल स्पष्ट था, और वहां पे कुमारी शैलजा को जो भी डिफरेंसेस थे वो लोगों ने आपस में सुलझा लिए थे, शैलजा प्रदेश अध्यक्ष बन गई थी और हुडा चेहरा हो गए थे कांग्रेस का, और इन्होंने एक अच्छा इलेक्शन लड़ा। हालांकि वहां पे जो उनके पुराने अध्यक्ष थे तंवर का, लास्ट मिनट पे पार्टी छोड़ना जरूर कुछ ना कुछ इफेक्ट किया होगा। मैं एक चीज और कहूंगा कि देखिए, इसमें तो सही बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से कोई प्रयास ही नहीं हुआ है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र में कुल 5 मीटिंग और हरियाणा में कुल 2 जनसभाएं की हैं। इसके उलट मेरे पास तुरंत एक्चुअल आंकड़े नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने 9 मीटिंग कम से कम, और अमित शाह जी ने 18 मीटिंग, और हरियाणा में भी कमोबेश दोनों लोगों ने मिलकर करीब 15 मीटिंग की हैं। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर जो थे राहुल गांधी, अकेले थे, उन्होंने तो 5 और 2 मीटिंग की। प्रियंका गांधी की 0 मीटिंग, सोनिया गांधी की जो इस समय अध्यक्ष है कांग्रेस की, 0 मीटिंग। इसमें एक चीज और लगता है, शुरू से ही जैसे कांग्रेस ने हार मान ली थी, कांग्रेस ने मान लिया था कि मैं ये हार रहा हूं, और खास करके महाराष्ट्र में, वहां पे संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा के बीच में कुछ आपस में अनबन थी, उसको भी इन लोग सेटल नहीं कर पाए, हालांकि शीर्ष नेतृत्व को बुला के उसको सेटल करना चाहिए था। यूपी में का मैं एक जनरल जो बाय इलेक्शन हुए उसके बारे में बता दूं, 11 में से 8 बीजेपी जीती है, 3 सपा जीती है, लेकिन यहां पे भी बीजेपी की एक मतलब पोल के प्रति वो कितने वो संवेदनशील है वो बता दूं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी और बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी, इन दोनों लोगों ने हर एक 11 जगह जाके कम से कम 1-1 मीटिंग हर जगह की है। इसके उलट हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं वो ज़्यादातर जगह गए ही नहीं, रामपुर गए थे शायद भाषण देने, बाकी जगह गए ही नहीं। मायावती जी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, बहुत जगह वो भी नहीं गई। तो आप आधे मन से ये क्यों लड़ रहे हैं? आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप इलेक्शन की तरह लड़िए, आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं। खैर, अब बात जरा हम लोग मीडिया की कर लें। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होता ओपिनियन पोल, उस तरह का ओपिनियन आपने लिया
एक होता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल को यह माना जाता है कि वो मोर और लेस 98-99% तक एक्यूरेट रहता है, क्योंकि जब आदमी वोट दे चुका होता है और वो जब बाहर निकल रहा होता है तो उस समय वो आपको बताता है कि मैंने क्या वोट दिया क्या नहीं, उसके हिसाब से। जितने पोल आए थे, अब आज की तारीख में कुछ लोग कह रहे हैं हमने सही दिया, हमने, जितने लोगों ने एग्जिट पोल दिए थे वो सब, मतलब उसका कोई एक्चुअल रियलिटी से, जो एक्चुअल सीटें हैं उससे कोई लेना देना नहीं था। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, ये सारी चीज़ें पोल हैं, लोगों से बात की जा रही है और उसमें भी एग्जिट पोल ज़्यादा क्लियर होते हैं। अब इससे दो तीन चीज़ें स्पष्ट हैं, या तो दफ्तर में बैठ के कागज़ रंगा गया, लोगों ने पैसा ऐसा ले लिया और दफ्तर में बैठ के, या जैसे आप न्यूज़ को प्रायोजित न्यूज़ होती हैं एडवर्टोरियल बोलते हैं, उसी तरह से आपने पैसा लेके एक पार्टी विशेष को जिताने के लिए आपने इस तरह के पोल दिए। और तीसरा यह है कि शायद आपको डर था तो आपने भयवश ये काम किया। इससे उलट, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि 2019 में मैंने भी चुनावी विश्लेषण किया था, मैंने चुनाव की ये एनालिसिस की थी मेरे हिसाब से, मैंने उसमें कोई एग्जिट पोल नहीं किया था, ओपिनियन पोल नहीं किया था, और मेरे हिसाब से उस समय कुछ एक कम ज़्यादा सीटें आनी थी, वो मेरा जो अनुमान था वो गलत हुआ था और बहुत से लोगों ने इसी चैनल पर बहुत गाली दी थी। पहली बार ऐसा लग रहा है कि अगर ये एग्जिट पोल भी प्रायोजित हैं और ये मनोरंजन अच्छा करते हैं, दो दिन इन्होंने अच्छा मनोरंजन किया, तो जैसे कॉमेडी शो हम लोग देखते हैं कपिल शर्मा शो और भाभी जी घर पे हैं, तो इनकी कैटेगरी हम लोग बजाय इसको न्यूज़ में दिखाने के, क्यों ना इसको मनोरंजन वाले चैनल में ये जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा फिट वहाँ पर हो रहे हैं। ये अजीब सी स्थिति है, भाजपा चुनाव जीत कर भी दुखी है, कांग्रेस चुनाव हार कर भी खुशी है, तो मतलब ये कभी खुशी कभी गम का, कौन किस वजह से खुश है ये अब आप वो करिए। दो लोगों ने बहुत डिसअपॉइंट किया, अरविंद केजरीवाल हरियाणा में बिल्कुल साफ हो गए, उन्होंने जिस ढंग से राज्यसभा की दो सीटें हरियाणा के लोगों को दी थी, खुद हरियाणा से आते हैं, उम्मीद थी कि हरियाणा में कुछ करेंगे, वो तो कुछ भी नहीं कर पाए। और योगेंद्र यादव, उनकी पार्टी भी लड़ी, तो ऐसा लगता है कि ये लोग दिल्ली में ही रहते हैं, योगेंद्र यादव जी आम जनता से बहुत नहीं है, कागज़ पे बहुत अच्छा होते हैं, टीवी के शोज़ बहुत अच्छे कर सकते हैं, लेकिन शायद आम जनता इनको अभी अपना नेतृत्व देने को तैयार नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि इस समय जो एक बात चलती थी कि मोदी जी के विकल्प कौन होगा, जनता कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकल्प अपने आप ही ढूंढ लेती है। हालांकि महाराष्ट्र और हरियाणा का में सरकार तो भाजपा की बन जाएंगी, लेकिन जिस तरह का मैंडेट, मतलब ये था कि हरियाणा मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, उस तरह का मैंडेट उनको नहीं मिला है, और इसीलिए शायद भाजपा के रणनीतिकार, भाजपा का नेतृत्व दुखी है। और चलते चलते एक जिसको कहते हैं फूड फॉर थॉट, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फोटो देख के मुझे दुख हुआ है। अगले साल वेस्ट बंगाल का चुनाव है, ये फोटो में जो भाई साहब बीच कुर्सी पर बैठे हैं और उनके पीछे हाथ बांध के जिस तरह के, मतलब देश का जो शीर्ष नेतृत्व है क्रिकेट का, वो जिस तरह से हाथ बांध के खड़ा है, ये बहुत सी चीज़ें खुद बयां कर रही हैं। इस पर आप अपनी ही टिप्पणी करिए, आप अगर हो तो कुछ रिमार्क भी दीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिले।